वेलकम टू जेटी एजुकेशन। आज आप डिस्कस करेंगे डेली बुक ऐप डोज पार्ट नंबर 17। जिन्हें भी थोड़े एग्जाम ने जिन्होंने इंग्लिश एक पार्ट होंगे भावे स्टेट के ने या सेंटर के ने उन्होंने वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर उस वीडियो की तुम्हें अपडेट मिलती रहे, क्योंकि वीडियोज़ मॉर्निंग 9 बजे अपलोड हो जाएं। शुरू करते हैं पहले वर्ड तो। पहला वर्ड है ल्यूसिड, एक एडजेक्टिव है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होंगे यूज अबाउट समथिंग दैट इज सेट और रिटन क्लीयर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। कोई चीज़ जो समझने के लिए बहुत आसान है, स्पष्ट है, साफ है, तो उन्हें समझना बहुत आसान है, उसके लिए आप शब्द यूज करते हैं ल्यूसिड। ये पंजाबी मीनिंग है साफ स्पष्ट। ये सिनोनिम ने इंटेलिजिबल, कंप्रीहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड कोजेंट। एंटोनिम ने कन्फ्यूजिंग, अनक्लीयर, एम्बिगुअस। अगला शब्द देखो, अगला शब्द है मोरोज, एक एडजेक्टिव है। मोरोज का मतलब होता है सलन, ग्लूमी, मतलब दुखी होना, उदास होना, निराश होना, उस आप शब्द यूज करते हैं मोरोज, उदास। सिनोनिम ने सैड, मेलनकॉली, डिप्रेस्ड। एंटोनिम ने चीयरफुल, हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक, ब्राइट। जिहड़े वर्ड्स ने इन्हां दे स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, दो तीन बार रिवाइज कराया करो, दिन दे विच तुहानूं प्रॉपर याद हो जाएंगे, तुहाडी बुक ऐप बहुत इंप्रूव हो जाएगी इहदे नाल। अगला शब्द देखो, अगला शब्द है मैलिशियस। मैं तुहानूं दस्सिया जिथे शब्द MAL मैल प्रीफिक्स लगे होगा उहदा मतलब है कि कोई नैगेटिव चीज़ बारे गल हो रही है। इत्थे भी कुछ नैगेटिव चीज़ डिस्कस की जा रही है। मैलिशियस का मतलब होंदा फुल ऑफ मैलिस और इंटेंडेड टू डू हार्म, कि जिहड़ा तुहाडे प्रति खुंदक रखदा, जिहदे दिल विच तुहाडे प्रति वैर है, उहदे लई आपां शब्द यूज़ करदे हां, मतलब दुश्मन जां वैरी, उहदे लई आपां शब्द यूज़ करदे हां मलेशियस। इहदे सिनोनिम ने स्पाइटफुल, विशियस, मलाइनेंट एंड विंडिक्टिव। एंटोनिम ने काइंड, बेनेवोलेंट, ह्यूमेन एंड लविंग। नेक्स्ट वर्ड देखो, अगला शब्द है मॉलीफाई, एक वर्ब है मॉलीफाई। मॉलीफाई का मतलब होंगे अपीज द एंगर और एंजाइटी ऑफ समवन, किसी का गुस्सा या किसी नूं शांत करना या किसी का गुस्सा घट करना, पंजाबी विच मतलब शांत करना या खुश करना। तो ये सिनोनिम की ने पैसीफाई, एसवाज, सॉफ्टन और लैसन। एंटोनिम ने प्रोबोक, एनरीज, एजिटेट और हरास, किसी का गुस्सा होर भड़का लेना। अगला शब्द है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन एक एडजेक्टिव है। मैस्कुलिन का मतलब है टिपिकल ऑफ और लुकिंग लाइक अ मैन कनैक्टड विद मैन। यह एवं का शब्द है जो आप मर्दा लिए यूज़ करते हैं या मैन लिए यूज़ करते हैं, कि जिद्द मैन के करैक्टर ने, मर्दा वर्ग जिद करैक्टर ने, उन्होंने आप शब्द यूज़ करते हैं मैस्कुलिन, मर्दाना या पुरुष जाति लिए वरत्या जाने वाला शब्द। सिनोनिम किने दे विराइल, मैचो, मैनली, ऑल मेल, या फिर एंटोनिम ने दे वीक, अफ्रेड, फियरफुल, फेमिनाइन। नेक्स्ट देखो, अगला शब्द है मकैबरी, एडजेक्टिव है मकैबरी। मकैबरी का मतलब है डिस्टर्बिंग बिकॉज कंसर्नड विद और कॉजिंग अ फीयर ऑफ डैथ, कोई चीज़ बहुत भयानक है जिद मौत का डर है, वो आप शब्द यूज करते हैं मकैबरी। कई बार आप हॉरर मूवीज़ जो होंगे ने उन्होंने भी शब्द यूज़ कर देने मकैबरी, मकैबरी उन्होंने भी यूज़ किया जाता, तो यह पंजाबी मीनिंग है बहुत भयानक या डरावना। सिनोनिम ने गेस्टली, स्कैरी, टेरिबल, ऑफुल। एंटोनिम ने एंजॉयबल, प्लीजेंट, अट्रैक्टिव, डिलाइटफुल। नेक्सट वर्ड है, नेक्सट है मेडियोकर, एक एडजेक्टिव है मेडियोकर। मेडियोकर का मतलब होंगे ऑफ ओनली एवरेज क्वालिटी, नॉट वेरी गुड, मतलब जी चीज़ सधारण है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैगी, आप शब्द यूज़ करते हैं मेडियोकर। पंजाबी सधारण, आम या दरम्याना। सिनोनिम ने एवरेज, इनडिफरेंट, इनफीरियर, मीडियम। एंटोनिम ने रॉयल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपीरियर, ग्रेट। अगला शब्द है मिलीटेट, एक वर्ब है मिलीटेट। मिलीटेट का मतलब होंगे वर्क अगेंस्ट, किसी के खिलाफ काम करना, विरोध करना या किसी के खिलाफ काम करना। ये सिनोनिम ने कंपेन, एडवोकेट, आर्ग्यूमेंट, अपोज। एंटोनिम ने बूस्ट, मोरेल और बरी द हैचेट। बरी द हैचेट एक इडियम भी होंगे, मतलब होंगे दुश्मनी खत्म करना। नादिर, अगला शब्द है नादिर, एक नाउन है। नादिर का मतलब है लोएस्ट पॉइंट, बहुत डूंगाई वाली, सब तो डूंगाई वाली जगह या सब तो नीवा पॉइंट, उन्होंने आप कहने हैं नादिर, सब तो डूंगा बिंदु या स्थान। सिनोनिम ने बॉटम, बेस, डेप्थ, अंडरनीथ। तो एंटोनिम ने एक्मे, जेनिथ, एपेक्स, पाइनएकल। अगला शब्द है नेव, एक एडजेक्टिव है, वेरी कॉमन वर्ड है, तुसी आम सुने होना नेव। नेव का मतलब होंगे अ परसन और एक्शन शोइंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट, पंजाबी मतलब अनुभवहीन, भोला या अणजाण। सिनोनिम ने इनोसेंट, गलीबल, सिंपल, क्रेडुलस। एंटोनिम ने श्रियूड, क्रिटिकल, एक्सपीरियंसड, स्मार्ट, चलाक होवे जां चुस्त होवे। अज का वर्ड ऑफ द डे है जियोपार्टी। तुसीं कमेंट सैक्शन में आंसर करना कि जियोपार्टी का की मतलब हुंदा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दियो, चैनल को सबसक्राइब कर दियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द